दोस्तों, क्या आप गर्लफ्रेंड पटाने के तरीके ढूंढ रहे हैं? क्या आप डेली नए नए फॉर्मूले ढूंढते हैं कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, लड़की कैसे पटाए? तो आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में गर्लफ्रेंड पटाने की पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल लड़के इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत सारे लड़के तो डिप्रेशन फील भी करते हैं। तो आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है या अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी होती है। तो आप उन लड़कों में से हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या आपने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, आज आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा कि आप आसानी से किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, लड़की पटाना भी एक कला है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। जिन लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। वो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुने। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि भाई, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है और हमें गर्लफ्रेंड पटाने के तरीके बताओ या फिर कुछ उपाय बताओ कि हम भी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ में ला सके। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, तो आपके मन में ऐसा सवाल आता है और आप ना चाहते हुए भी ये सवाल उनसे पूछ ही देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के टाइम में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिनकी गर्लफ्रेंड रखने में कोई प्रॉब्लम होती है, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। बल्कि आज का जमाना तो वैसा है कि हर किसी के पास एक गर्लफ्रेंड होती है। दिखा दिया, ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनके पास एक नहीं, दो दो गर्लफ्रेंड होती है। तो आखिर ऐसा क्या है कि अब तक आपने कोई भी लड़की नहीं पटाई और आप लड़की पटाने में कामयाब नहीं हो पाए और कई लड़के दो दो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। जी हाँ, थोड़ा सा आपकी आदत, आपके व्यवहार में आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा। फिर आप देखना, आप आसानी से किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और आपकी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो जरूर सुने ताकि आप किसी भी गर्लफ्रेंड को पटा सके और अपनी लाइफ में एक हम सफर ला सके। कुछ नहीं दोस्तों, हम देखते हैं कि लड़की पटाने के कुछ बेहतरीन उपाय, तरीके और टोटके बताएंगे हम आपको, जिससे आपको अपने आप पर कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं आप? बस आपको एक काम करना है, आपको हमारे बताए गए वीडियो में टिप्स को ध्यान से सुनना है और अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और फिर देखना दोस्तों कि एक ऐसा चमत्कार होगा कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की लाएंगे और अच्छा सा गर्लफ्रेंड बनाएंगे, एक अच्छा सा हम सफर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से पहले आपको इस लड़की को अच्छी तरीके से जानना होगा और आपको अच्छी तरीके से जानने के साथ साथ उस लड़की से फ्रेंडशिप करनी होगी। पर बहुत से लड़कों को तो यह पता ही नहीं होता है कि आखिरकार उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप कैसे करें और उनसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कैसे करें। तो आपको सबसे पहले तो उस लड़की के सामने अपने इमेज को अच्छी बनाना है और अपने व्यवहार को भी अच्छा रखना होगा, तभी आप इस लड़की से फ्रेंडशिप करने में कामयाब हो पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वह लड़की हमें नोटिस कर रही है, पर दरअसल में ऐसा होता नहीं है। लड़कियां हमें बहुत ध्यान से परखती हैं। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि बहुत से लड़कों को यह लगता है कि लड़कियां यह नहीं पहचान पाती कि लड़का हमें किस नजर से देख रहा है। पर अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप ऐसी सोच रखना बंद कर दें। लड़कियां हमसे कुछ कहती तो नहीं, पर उनको सब कुछ पता चल जाता है कि कोई लड़का उसे किस नजर से देखता है, अच्छी नजर से या बुरे। जिंदगी है, आप मानो या ना मानो, यह हकीकत है। सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको गाली गलौज करने की आदत है तो आप उन आदतों को छोड़ दें। और हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर जिस लड़की को आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, उस लड़की को गाली गलौज तो बिल्कुल ना दें। अगर उस लड़की ने आपकी गाली गलौज सुन ली तो आप उस लड़की को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएंगे। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आप उसके सामने कोई भी अनाप शनाप बातें ना बोले। हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमेशा कोशिश करें कि आपको उस लड़की के सामने जाकर बात करनी है तो आप सही से बात करें, तहजीब में बात करें, अपना लहजा ना भूले। जब आपको लगे कि वह लड़की आपसे बात कर रही है तो कुछ दिनों तक आप उसके सामने अच्छे से पेश आए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है।
आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। और जैसे ही एक हफ्ता बीत जाएगा, दो हफ्ता भी बीत जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा पर्सनल होने की कोशिश करें। पर्सनल होने का मतलब यह नहीं है कि आप उनको टच करना शुरू कर दें। हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी दोस्ती को और ज़्यादा गहरी बनाएं, ताकि वह कनेक्शन बन पाए आप दोनों के बीच में, जो आपको दूसरे से हमेशा अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित करेंगी और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी और अपने आप को पर्सनल कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोन की अनुमति सिर्फ उनका फ़ोन नंबर मांगने की कोशिश करनी है। पर यहाँ पर हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आप कभी भी चोरी से या किसी से कहकर उनका फ़ोन नंबर न लें, क्योंकि यह चीज़ लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। एक जेंटलमैन की तरह पूछ कर लड़की से कहें कि जैसे हमारी दोस्ती को 3-4 हफ्ते बीत गए हैं, तो क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? अगर वह लड़की कहे क्यों नहीं, तो आपको उसका फ़ोन नंबर ले लेना चाहिए। आपको उसके बाद भी बोलना चाहिए, मैं फ़ोन नंबर इसलिए ले रहा हूँ, क्या पता आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए या मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, फ़ोन नंबर लेने के बाद कोई भी फालतू वालतू बात ना करें, सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ने पर ही मैसेज या कॉल करें। आपको यहाँ पर यह करना है कि कोई भी स्पेशल डे होगा, जैसे कि फ्रेंडशिप डे, दीपावली, होली, वैलेंटाइंस डे, उस लड़की को अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजकर विश करना है। इस फॉर्मूले का सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यह फार्मूला हरदम काम करता है और यह तरीका 110% काम करता है, क्योंकि ऐसे त्यौहार के दिन जब आप उस लड़की को मैसेज करोगे तो लड़की ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी। और जब आपको पता चल जाएगा कि वह लड़की भी आपको मैसेज सेंड कर रही है, तो आप एक बार और कोशिश कीजिएगा, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड नाइट मैसेज भेज कर देखना और देखना कि लड़की का रिप्लाई आ रहा है या नहीं। अगर आ जाए तो समझना आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। फिर क्या, आप अपनी दोस्ती को और गहरा कर दीजिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो लंच साथ में करें, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो चाय पीने के लिए साथ में बाहर जाएं। ऐसा करने से आपकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी और आप दोनों दोस्त बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। जब आपको लगेगा कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हो और एक दूसरे को बातों को अच्छी तरीके से समझते हो, तो दोस्तों वही मौका है जब आपको अपने दिल की बात उस लड़की को बता देनी है। और अपने दिल की बात कहने के लिए आपको कोई स्पेशल दिन का इंतजार नहीं करना है। क्या पता कि जब कोई लड़की किसी लड़के से इंप्रेस हो जाती है तो लड़की धीरे धीरे हिंट देती है, तो यहाँ आपको हिंट पकड़ना है और लड़की पर ध्यान देना है कि लड़की आपसे इंप्रेस हुई है या नहीं। कुछ लड़की की बातों से, उस लड़की के व्यवहार से पता चल जाएगा कि लड़की आपको दोस्त मानती है या दोस्त से ज़्यादा मानती है। आपको यहाँ पर करना है, उस लड़की के सामने जाना है और अपने दिल की बात स्पष्ट रूप से उसके सामने रख देना है, फिर चाहे वह लड़की बुरा माने या अच्छा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपसे जो कुछ भी हो पाया था वह आपने किया, और अगर वह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है तो आप उसे कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी नहीं पाई जा सकती है, वह तो अपने मन की मर्जी से होता है। इसलिए आपको उस लड़की को यह नहीं करना है कि अगर आप उसको मना कर दिया तो आप उसको परेशान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पर दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि लड़की आपकी पहले से बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर लड़की आपको हिंट दे रही थी या बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा मानने लग गई थी, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। उस लड़की को प्रपोज करते वक्त आप उनसे सारी दिल की बातें खोल के बोल दें, जब से मैंने आपको देखा है आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपका चाल चलन मुझको बहुत अच्छा लगने लग गया है और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। और उस लड़की से यह भी ज़रूर कहिएगा कि आजकल के लड़कों के दिमाग में ना जाने कौन कौन सी बेफजूल की बातें आती हैं, वह तो लड़की की रिस्पेक्ट करना तक नहीं जानते। पर मैं आपसे यह वादा करता हूँ, यह प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी आपको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा और हमेशा आपके सम्मान की रक्षा करूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। दोस्तों, यह तरीका इतना बेहतरीन है कि आप एक बार अपना लेंगे तो वह 100% लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर आप किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप पूछ कर लड़की के मन को जीते, क्योंकि लड़कियां बातों में जल्दी आ जाती हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए,
अगर वह किसी की बहन है, अगर आपके मन में कुछ ऐसी गलत भावना है तो आप प्लीज उसको अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाएं। आपको उनसे सच्चा प्यार करना होगा दोस्तों, क्योंकि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना ये सही नहीं है। और हम आपसे कहे, अगर ऐसा है कोई लड़का आपकी बहनों के साथ कर देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसा ही दूसरों की घर की बेटी और बहन के साथ नहीं करे। कृपया सोचे कि जो आपकी बहन बेटी है कल को किसी और की भी बीवी बनेगी, वैसे ही जैसे आप किसी की बहन बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे वो भी किसी की बहन बेटी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्यार करना अपने गर्लफ्रेंड से हमेशा प्यार से रहें और प्रेम मोहब्बत से रहें। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई झगड़ा ना करें और कभी भी उसके साथ हाथापाई ना करें। और हाँ, उनकी फीलिंग्स को कभी हर्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने यह कर दिया तो वह लड़की आपको छोड़कर चली जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर उस लड़की को आपने हर्ट कर दिया तो लड़की दिल से आपको निकाल देगी। अपनी गर्लफ्रेंड के प्रॉब्लम में उनकी मदद करने की कोशिश करें। यह आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते को और भी ज़्यादा पक्का और मजबूत कर देगा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाएं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर रोज लेकर जाएं, पर कभी कभी 10 से 15 में एक बार कुछ गुलाब का फूल ही लेकर जाएं। आपकी गर्लफ्रेंड देखना कितनी खुश हो जाएगी, क्योंकि लड़कियाँ यह नहीं चाहती कि उनका बॉयफ्रेंड उनके लिए महंगे से महंगा गिफ्ट ले जाए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह यह नहीं देखेगी कि आपने उनके लिए कितना महंगा गिफ्ट लिया है। उनको आप दूर पर की टोपी भी ना दोगे तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाएगी। यही बात होती है दोस्तों लड़कों में और लड़कियों में। आप कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने के बारे में कोई प्लानिंग ना करें और ना ही ऐसा कभी सोचें, क्योंकि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा करेंगे तो भगवान आपको इसके लिए बड़ी सज़ा देगा। आप हमारा यकीन करें या ना करें, पर कहते हैं ना कि जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करते हैं तो इस तरह अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम मोहब्बत से बात करें और कभी भी उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश ना करें। अपनी गर्लफ्रेंड का हाल चाल पूछते रहें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कहीं बाहर गई हो तो उसे 2 से 3 घंटे में आप सही हो या नहीं, खाना खा लिया नहीं खाया, दोस्तों यह तरीके का काम करता है, क्योंकि यह हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है। हमारी गर्लफ्रेंड चाहती है टच, तो दोस्तों गर्लफ्रेंड कैसे पटाते हैं, कैसे बनाते हैं, आज हमने आपको ये तरीका बताया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें।